ये कब्रिस्तान कब्रिस्तान हम अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच गए ग्रेवयार्ड में इंटर हो गए फातिहा पढ़ने के लिए। जिस तरह एक जमीन खाली है ना ये किसी ने बुक करवा के रखी होगी। अब ये खानदान सारा चलता जा रहा होगा। यूं उन्होंने भी आपके साथ जुल्म किया इंशाल्लाह वो जरूर निस्तो नाबूद होंगे अल्लाह पाक उनके साथ। अस्सलामु अलैकुम गाइस, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख रहे हैं ताहिर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यूट्यूब स्टार नहीं नहीं चैनल का नाम है। कैसे हैं आप सारे? उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। आज जो मेरा ब्लॉग है ना मुबशर भाई ने स्टार्ट किया। बस देखते हैं, देख रहे हैं कैसे तैयार होके आए हुए हैं। नहीं नहीं किधर, हम सादा मजाक से लोग हैं। इसको तो आप जानते ही होंगे अच्छी तरह से। प्रमोशन दे पैसे कि दिन तैयार पे दी प्रमोशन दे तकरीबन समय जो मंजो की थी सवाल तो बाद है जैसे बैंड चले लगी थी पैसे की ना। ये सुभाष भाई की ये इसके ना नाने पर नाने के दो जमाने की है। हमारी परंपरा इस वजह से हमने ये रखी हुई है वरना कोई रखता है। हमने इस्लामाबाद इसको नेक्स्ट मैं यूके भी लेके जाने वाला हूँ इसी को। गाइस आज आपको मतलब दिखाते हैं कौन कौन सी जगह पे जाएंगे तार भाई। आज हम आप मुझे लेके जा रहे हैं ना? हाँ पता नहीं अरे वैसे मुझे भी नहीं पता। चलो मोटरसाइकिल स्टार्ट मारते हैं कहीं ना कहीं तो पहुँच जाए। चलो यार ये रखना है। सुदेश ने नया मोबाइल लिया भाई जान कौन सा है? आईफोन 15 प्रो मैक्स ऑर्डर पे मंगवाया था। हाँ वो इमरान खान की पिक्चर लगी हुई है। फुल सपोर्टर हो मतलब आप इमरान खान के। चलो जी हम अपनी बाइक स्टार्ट करते हुए आपको आगे का सीन बताते हैं। उनकी शादी हो रही है पता नहीं किन की वहाँ पे। वैसे ताहिर भाई वहाँ पे मैं इनवाइट था, मैं आप लोगों के साथ आ गया हूँ ना इस वजह से मैं नहीं गया हूँ। आपस की बात है मैं इनवाइट था कहते हो तो आपने खाना वगैरह खाने से चलते ही है। नहीं नहीं अभी बात चलते हैं, वो बाहर रुकती है वो जा रहे हैं। चलो उनको अल्लाह हाफिज़ करते हैं। बाकी व्यूवर्स आप ये देख सकते हैं कि हमारे साथ यूट्यूबर भी मौजूद है। क्या नाम है भाई जान आपका? हाशमी व्लॉग्स। नहीं जाती सर जी टेंशन ना लें हम भी घर वाले हैं। जो आज मुबशर हैवी व्लॉगर बड़ा खड़े एक ओ दांत लगती ना। अच्छा व्लॉग बना रहे हैं तो उसका ही व्लॉग बनाए जा रहे हैं। ये हम बाद में ना एयर ड्रॉप करके ना चीटिंग करेगा आपके साथ। आपने इसको कोई वीडियो नहीं देना। चीटिंग जरा ही सही है। बस आपने आपने इसको ना कोई उर्दू में और मैं सराकी है चांद ये अभी मैं पुल क्रॉस करेंगे इसके ऊपर चढ़ के। इस्लामाबाद में भी मिनी दरिया है। इस्लामाबाद में भी दरिया है यार। Nice. सुदेश की शलवार देखो ये कब्रिस्तान कब्रिस्तान हम अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच गए ग्रेवयार्ड। अच्छा फूल वगैरह लेने तो खा देते। चलो अंदर से अंदर से ले लेते हैं। असल में ना यार अस्सलाम वालेकुम कब्रिस्तान में हम आ गए अरशद भाई की कब्र पे जाना था। अच्छा फातिहा पढ़ने के लिए इधर ही मुझे याद आया तो मुबशर भाई ने बताया कि रास्ते में ही है। इधर ही आए हैं कब्रिस्तान में अरशद शरीफ शहीद की कब्र पे चलते हैं फातिहा पढ़ते हैं। कब्रिस्तान में इंटर हो गए फातिहा पढ़ने के लिए। आगे मुबशर भाई हैं पीछे सुदेश भाई और ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। ये इस्लामाबाद का बहुत बड़ा कब्रिस्तान। अच्छा क्या मुबशर मैं आधा पिया है इस्लामाबाद का फुल मतलब। अच्छा वो क्या नाम है डॉक्टर अब्दुल कदीर वो कहीं और है? वो है एच वो एच एट में है। अच्छा अच्छा वो कहीं और है। ये एच इलेवन है वो एच एट में। यहाँ पे ना ये चीज़ देखने को मिली है कि मोमिन जो है क्या बताया अहले तशी उनकी और मतलब कि बाकी जो हजरात हैं सबकी कब्रें मिली हुई हैं यहाँ पे एक साथ ही हैं। लेकिन बाकी इलाकों में देखा है कि ये चीज़ें नहीं होती नहीं देखने को मिलती।
उनका अलग होता है सेपरेट निजाम। असल में हाँ ये देखें ताहिर भाई, ये है गवर्नमेंट का कब्रिस्तान। अच्छा मतलब इधर आपकी मर्जी है, आप मोमिन हो सुन्नी हो, आपकी मर्जी, आप कब्र ले सकते हो। यार ये बहुत अच्छी बात मतलब है। ये देख अब ये जिस तरह एक जमीन खाली है ना, ये किसी ने बुक करवा के रखी होगी, अब ये खानदान सारा चलता जा रहा होगा। ये सामने हर्षद भाई की खबर है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बात है। السلام علیکم یا اہل القبور، अर्शद भाई जब अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते थे तो सबसे पहले उनके यही अल्फाज होते थे, पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अर्शद शरीफ का सलाम। तो यही हार गया है मेरे बुजदिल दुश्मन, मुझसे तन्हा के मुकाबल तेरा लश्कर निकला। तो अर्शद भाई को जिस बिद्दत नदी से कतल किया गया ना, मारा गया, यकीन करें बहुत दुख हुआ था, बहुत। अभी भी मतलब जब भी अर्शद शरीफ किसकी पिक्चर वगैरह सामने आ जाती है, दिल खून के आंसू रोता है। इस जैसे बहादुर निडर इंसान को जैसे बेदर्दी से कत्ल किया गया है। अल्लाह पाक जिसने भी इसके अर्शद भाई के साथ जुल्म किया, अल्लाह पाक उनको नेस्तो नाबूद करे। बेकसूर इंसान को उन्होंने जैसे उन्होंने बेदर्दी से कत्ल किया है। आखिरी रामगा पे भी उन्होंने पैगाम लिखा है, मैं आखिरी दम तक इस करप्ट निज़ाम और नाइंसाफियों के खिलाफ डट कर खड़ा रहा। मैं वक्त के फिरौनों के आगे झुका नहीं और अपनी आखिरी सांस तक हक सच की आवाज़ बुलंद करता रहा। मैंने पाकिस्तानी कौम के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मेरा कलम और सच की राह का ये सफ़र रहेगा नहीं जाएगा। वक्त का मूसा भी ज़रूर आएगा, मैं कट गिरूँ या सलामत रहूँ, यकीन है मुझे कि यह हसार सितम कोई तो गिराएगा। तमाम उम्र की ईज़ा नसीबों की कसम, मेरे कलम का सफ़र रहेगा नहीं जाएगा। इंशाल्लाह अर्शद भाई ज़रूर, जिन्होंने भी आपके साथ जुल्म किया इंशाल्लाह वो ज़रूर निस्तो नाबूद होंगे, अल्लाह पाक उनके साथ ज़रूर उनसे हिसाब लेगा। आमीन सुमा आमीन। फातिहा पढ़ ली अर्शद भाई की कब्र पर और अभी जो है ना जाने की तैयारी कर रहे हैं। चलें जी ताहिर भाई, अर्शद भाई से मिल भी लिया। हाँ जी मैं घर से ना असल में सोच के आया था कि अर्शद भाई की कब्र पे मैंने लाजमी जाना है फातिहा के लिए, वैसे ये क्योंकि बहुत दुख हुआ यार अर्शद भाई। आप आए हो तो मतलब हमें भी आ गया कि आओ चलते हैं। वैसे हालांकि हमारा तकरीबन रोजाना इधर का इसी रोड पे चक्कर गुजर होता है, लेकिन कभी सोचा नहीं कि हाँ इधर आना है। चलो आपके मुहाबो हमने भी देख लिया, आपके मतलब फातिहा भी पढ़ ली, सवाब का सवाब भी मिल जाएगा हमें।